आज के मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस यानी होमो जीनस की सेपियंस प्रजाति। यहाँ सेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान, यानी होमो सेपियंस के अलावा मनुष्य की और भी प्रजातियाँ हुआ करती थी, लेकिन वो अब मौजूद नहीं है। उनका क्या हुआ, यह जानने से पहले उन प्रजातियों के बारे में जानना जरूरी है। मनुष्य का पहला विकास लगभग 25 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में वानरों के जीनस ऑस्ट्रेलोफिथिकस से हुआ। लगभग 20 लाख साल पहले कुछ पुरुष और स्त्रियां यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के इलाकों में बसने के लिए चले गए। ये गर्म इलाकों में रहने के लिए ढले हुए थे, लेकिन अब इन्हें उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों में रहने के लिए पहले से अलग लक्षण जरूरी थे, इसलिए मनुष्य की आबादी अलग अलग जगह में विकसित हुई। इसका परिणाम अनेक प्रजातियों के रूप में सामने आया। यूरोप और पश्चिमी एशिया के मनुष्य होमो नियंडरथलेंसिस, जिन्हें आमतौर पर नियंडरथल्स कहा जाता है, सेपियंस के मुकाबले स्थूलकाय और हष्टपुष्ट थे, जो ठंडी जलवायु में आराम से रह सकते थे। एशिया का अधिकांश हिस्सा होमो इरेक्टस से आबाद हो चुका था, जो तनकर खड़े हो सकते थे। ये वहाँ करीब 20 लाख सालों तक बने रहे। इनका यह रिकॉर्ड हम यानी होमो सेपियंस भी नहीं तोड़ सकते। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर होमो सोलेंसिस नामक प्रजाति रहती थी, जो उष्णकटिबंधीय जीवन के अनुकूल थी, और इस प्रकार अन्य कई प्रजातियां जैसे होमो रूडोल्फेंसिस, होमो एर्गास्टर और हमारी खुद की प्रजाति, जिसे हमने निर्लज ढंग से होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मनुष्य नाम दे रखा है। इनमें से कुछ प्रजातियों के सदस्य विशाल काय थे और कुछ बौने थे, कुछ भयंकर शिकारी थे और कुछ वनस्पतियां खाने वाले विनम्र लोग, कुछ एक ही द्वीप पर रहे और कुछ तमाम महाद्वीपों पर भटके। एक ही समय में कई प्रजातियां अलग अलग जगहों पर मौजूद थी। होमो सेपियंस के बारे में ठीक ठाक नहीं पता कि वे कब और कहां विकसित हुए, लेकिन 15 लाख वर्ष पहले का समय आते आते पूर्वी अफ्रीका उन सेपियंस से आबाद हो चुका था जो हमारी तरह दिखते थे। वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि लगभग 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका के सेपियंस अरब प्रायद्वीप में फैल गए और वहां से वे बहुत तेजी से संपूर्ण यूरेशिया भूभाग में फैल गए। जब होमो सेपियंस अरब पहुंचे, तब यूरेशिया के ज्यादातर हिस्से में दूसरे मनुष्य पहले ही बस चुके थे। उनका क्या हुआ, यह हमारे सामने दो थ्योरी जाती है जो एक दूसरे के विरोध में है। पहली थ्योरी है इंटरब्रेंडिंग थ्योरी, जो आकर्षण, सेक्स और घुलने मिलने की कहानी कहती है। इसके अनुसार जैसे ये लोग पूर्वी अफ्रीका से दुनिया में फैले, उन्होंने दूसरी प्रजाति के साथ मिलकर प्रजनन किया और आज के लोग इसी इंटरब्रेंडिंग का नतीजा है। उदाहरण के लिए सेपियंस जब मध्य पूर्व और यूरोप पहुंचे तो उनका सामना नियंडरथल से हुआ। संकरण सिद्धांत के मुताबिक सेपियंस ने उनके साथ तब तक प्रजनन किया जब तक दोनों आबादियां एक दूसरे में विलीन न हो गई हो। इसका अर्थ है आज के यूरेशियाई लोग प्योर सेपियंस नहीं है, वे सेपियंस और नियंडरथल्स का मिश्रण है। इसी तरह चीनी और कोरियाई लोग सेपियंस तथा इरेक्टस का मिश्रण है। इसके विपरीत एक थ्योरी और है जिसे रिप्लेसमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इसके अनुसार सेपियंस और दूसरे मनुष्य की शारीरिक बनावट अलग थी और पूरी संभावना है कि उनके प्रजनन करने का तरीका और शरीर की गंध तक अलग थी। एक दूसरे में उनकी काम पर दिलचस्पियां बहुत कम रही होगी, और अगर एक नियंडरथल्स और एक सेपियंस में इसको हो भी जाता है तो वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दोनों आबादियों को अलग करने वाली अनुवांशिक खाई को भरा नहीं जा सकता था। दोनों आबादियों पूरी तरह से पृथक बनी रही होंगी, और जब नियंडरथल्स मर गए होंगे या सेपियंस के द्वारा मार दिए गए होंगे तो उनके जीन भी उनके साथ ही मर गए होंगे। इस दृष्टिकोण के मुताबिक सेपियंस ने तमाम पिछली मानवीय आबादियों में घुले बगैर उनकी जगह ले ली। अगर ऐसा है तो आज के मनुष्य को 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका में देखा जा सकता है। हम सब शुद्ध सेपियंस हैं। इन दोनों थ्योरीज में आपको कौन सी सही लगती है? मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से संबंधित और वीडियो बनाऊं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।